हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं विटामिन ए कैप्सूल्स के बारे में। देखिए, ये जो विटामिन ए के कैप्सूल होते हैं क्या काम आते हैं, किन किन समस्याओं में अपन इनका उपयोग कर सकते हैं, इनको उपयोग करने के बाद क्या क्या अपन को साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कितनी मात्रा के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, मतलब कि प्राइस कितनी होती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि ये जो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं इनके बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, विटामिन ई कैप्सूल, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होता है विटामिन ई। तो अब अपन बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो विटामिन ई कैप्सूल होता है यह है अपनी स्किन और बालों के लिए बहुत ही हेल्थी माना जाता है। यदि अपनी स्किन के ऊपर झुर्रियां पड़ गई है तो आप इस कैप्सूल को ऊपर से काट कर इसके अंदर जो विटामिन ए होता है उसे अपनी स्किन पर डेली अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कैप्सूल होते हैं यह है अपनी जो झुर्रियां पड़ गई है चेहरे पर उसको क्लियर करने में काफ़ी अच्छी मदद करते हैं। साथ में अपनी जो स्किन है उसको भी गहराई से मॉइस्चराइज करते हैं, कोमल बनाने का कार्य करते हैं। साथ में यदि अपनी स्किन के ऊपर दाग धब्बे हो गए हैं उनको भी ये जो कैप्सूल है हटाने का कार्य करते हैं। कई बार ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स देखने को मिलते हैं, तो इन प्रकार की समस्याओं में भी अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। जहां पर आपको दाग धब्बे दिखे वहां पर आप इस विटामिन ई कैप्सूल को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए, हाइपर पिगमेंटेशन में यदि आपके स्किन के ऊपर पिंपल्स वगैरह बहुत अधिक निकल गए हैं तो ये जो कैप्सूल है पिंपल्स को भी साफ करने में काफ़ी अच्छी मदद करता है। यदि आपकी स्किन के ऊपर बहुत सारी पुंसियाँ वगैरह होती रहती है, पिंपल्स होते रहते हैं, तो उनको भी दूर करने में विटामिन ई काफ़ी अच्छी मदद करता है। नेक्स्ट अपन बात करें, यदि आपके होंठ बहुत अधिक फटे हुए रहते हैं, होंठों के अंदर से बिल्कुल सूखापन रहता है, कभी कभी ब्लड भी निकलने लग जाता है, इतने खतरनाक फटे हुए होते हैं, तो ये जो कैप्सूल है विटामिन ए का यह है अपने फटे हुए होंठों को भी काफ़ी अच्छी आराम मॉइस्चराइज प्रदान कराता है। आप इस कैप्सूल को काट कर जहाँ पर इसके विटामिन ए होता है वह अपने होंठों पर, साथ में आपकी स्किन के ऊपर जहाँ पर आपको मॉइस्चराइज चाहिए होता है या फिर दाग धब्बे हो गए हैं वहाँ पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए, बालों को हेल्थी बनाए रखने के लिए ये जो कैप्सूल है काफ़ी अच्छी मदद करता है। यदि आपके बाल बहुत अधिक नीचे गिरते हैं या फिर आपके बाल बहुत अधिक ड्राई रहते हैं, सूखे हुए रहते हैं, या फिर बहुत अधिक आपके बाल झड़ते हैं, तो इन प्रकार की समस्याओं में ये जो कैप्सूल है आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप कुछ 2-3 चम्मच नारियल का तेल लेकर उसके अंदर ये जो विटामिन ई कैप्सूल होता है इसको ऊपर से काट कर इसके अंदर जो विटामिन ई होता है वह आप मिला लीजिए अच्छे से, और इस तेल को अपने जो स्काल्प होती है बालों की वहाँ पर अच्छे से दिन में 2 बार सुबह और शाम अच्छे से मसाज करनी होती है। यदि आप कुछ दिनों के अंदर आप ऐसा कर लेते हैं 3-4 दिन तक, तो आपके बालों में भी जो कि बाल आपके गिर रहे हैं या फिर ड्राइनेस रहते हैं या फिर बहुत अधिक खुजली वगैरह चलती है, सफ़ेद बाल हो गए हैं, तो उसके अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देता है, बाल गिरने से भी रोकता है, बाल बहुत अधिक सफ़ेद होते हैं उनसे भी यह राहत देने का कार्य करता है, साथ में आपकी स्किन को मॉइस्चराइज बनाता है, कोमल बनाता है, सुंदर बनाता है। तो इस प्रकार की समस्याओं में ये जो विटामिन है कैप्सूल कार्य करता है। देखिए, अभी मैं जिस कैप्सूल का रिव्यू कर रहा हूँ नेटवी 200, यदि यह इसके ब्रांड नेम नेटवी 200 के नाम से नहीं मिले तो आप नॉर्मली मार्केट से, मेडिकल स्टोर से विटामिन ई कैप्सूल्स के नाम से नॉर्मली मांग सकते हैं। बहुत सारी वेराइटी के ये जो कैप्सूल है मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो यदि आपको विटामिन ई का कैप्सूल चाहिए तो आप मेडिकल स्टोर से नॉर्मली विटामिन ई का कैप्सूल कहकर परचेस कर सकते हैं। अभी मैं जिसका रिव्यू कर रहा हूँ उसकी प्राइस है 186 रुपये, जिसके अंदर 15 कैप्सूल की स्ट्रिप आपको नॉर्मली मिल जाती है। यदि आप अन्ना ब्रांड का कोई दूसरा कैप्सूल यूज में लोगे विटामिन ई के, तो उसकी प्राइस बहुत ही कम और कई कई में ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है। तो देखिए, मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है नेटवी 200 कैप्सूल के बारे में कि कब और कैसे इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है और इस कैप्सूल को लगाने के बाद अपन को क्या क्या बेनिफिट और साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली तो यार वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन अपन को सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।